नमस्कार दोस्तों, मैं अजितेंद्र कुमार। अभी जो वैकेंसी आई थी 1717 का, जो अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट दिया है, फाइनल जो कोर्ट केस के बाद जो अभी रिजल्ट आया है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि अब आगे का प्रोसेस क्या होगा। अभी जो नोटिफिकेशन परसों जो आया था, अभी रिजल्ट को लेकर के नोटिफिकेशन आया है, तो मैं बस अभी उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या करना है और क्या क्या प्रोसेस होगा। अब उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 14 से 15 तारीख को आप अपना एडमिट कार्ड दिखा करके नियुक्ति पत्र ले सकते हैं। ठीक है, जब आप अपना नियुक्ति पत्र ले लेंगे, उसके बाद योगदान देना होता है। वहां पर आपको जाकर के योगदान देना है मुख्यालय में, ठीक है, जो अभी पटना में है मुख्यालय है, वहां पर आपको जाकर के योगदान देना है। फिर वहां से आपको बोला जाएगा कि आपका ट्रेनिंग कब से शुरू होगा और आपको कब रिपोर्ट करना है ट्रेनिंग एकेडमी में। जब आप योगदान देते हैं तो आपका पेमेंट उसी समय से चालू हो जाता है। जो 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 रूल है कि जब आप जिस डेट से योगदान देते हैं उसी समय से पेमेंट चालू होता है। तो पहले जान लेते हैं कि क्या क्या उसमें अभी प्रोसेस होना है। पहले तो आप नियुक्ति पत्र, पहले आप ज्वाइनिंग लेटर ले लेंगे। फिर आपको बोला गया है कि 25 मार्च से 25 अप्रैल के बीच में जाकर के आप योगदान दे दीजिए। तो कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके योगदान देने का, उतना जल्दी योगदान दे दीजिए। और जो 10 दिन के में जब आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएगा, तो उसके बाद क्या है कि आपका मेडिकल होगा और वेरिफिकेशन होगा। हम लोग का जो मेडिकल और वेरिफिकेशन हुआ था, कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो होता है, आपको कैरेक्टर बनवाने की जरूरत नहीं है अलग से। जो ये जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है, ये डीआईजी ऑफिस से ही होता है, जहाँ से आपको डीआईजी ऑफिस से ही होगा आपके। और कैरेक्टर वेरिफिकेशन तो आपका जो संबंधित थाना है, जहाँ पे आपका घर है, जो थाना है, उस थाना में लेटर जाता है और वहाँ से वो कैरेक्टर वेरिफिकेशन कर लेते हैं। जो होम टाउन डिस्ट्रिक्ट, जो होम डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर आपका जो सदर अस्पताल है, वहीं पर आपका मेडिकल होता है। तो जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, उसके बाद 10 दिन का टाइम दिया है, उसी बीच में मुझे लग रहा है कि सारा प्रोसेस आपका कर लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो चुका है, लेकिन एक बार फिर नियुक्ति पत्र जब वो जब योगदान देते हैं, तब जाकर के आपको एक बार फिर लेके जाना पड़ेगा सारा चीज का जेरोक्स कॉपी। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है ये देख लीजिए। एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसके बाद मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और मैट्रिक का मार्कशीट रख लेना है, इंटर का भी मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट रख लेना है, ग्रेजुएशन का भी रख लेना है। उसके अलावा आपका अगर जो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, 6 महीना साल भर जो भी हो उसको रख लेना है। और जो ओबीसी कास्ट है, वो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का करेंट वाला खोजता है, 6 महीना का बना होना चाहिए, तो वो आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो यही सब है। और कास्ट सर्टिफिकेट जो SC ST है, उनका साल भर का, 2 साल का भी रहता है तो चल जाता है साल भर का, लेकिन फिर भी बनवा लीजिएगा। और उसके अलावा, इसके अलावा और कुछ डॉक्यूमेंट रखना नहीं है, ठीक है। तो 1717 का जो अब जो है, बहुत जल्द प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो हो चुका है सब कुछ, लेकिन कोशिश में है कि बहुत जल्द आप लोगों को यहाँ पर एकेडमी में, ट्रेनिंग एकेडमी में भेज देगा, जब आप ज्वाइनिंग करते हैं उसके बाद से। बस यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। और टाइम मिल नहीं पाता है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के जितने सारे फोन आ रहे थे, इसलिए मैंने ये इससे रिलेटेड वीडियो बना दिया है कि 1717 का जो अभी दिया है कि नियुक्ति पत्र लेने के लिए, तो उस समय आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। ये 14 तारीख और 15 तारीख का जो डेट दिया है, इसके बीच में नियुक्ति पत्र लेके जाना है। और आपको वो मतलब वहां से जो ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, तब जाकर के आपका मेडिकल होगा। मेडिकल आपका आपके डिस्ट्रिक्ट होम टाउन में सदर अस्पताल में होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है, ज्यादा टफ मेडिकल नहीं होता है। उसके अलावा कैरेक्टर वेरिफिकेशन तो थाना में ही कराना है, इसके तो कैरेक्टर आप लोग को बनवाना नहीं है। और बहुत जल्द यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुका है आप लोगों का, तो यहाँ पे जोर शोर से काम हो रहा है। और जो आप लोगों का ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग यही राजगीर में ही होगा और कहीं नहीं होने वाला है। तो बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज कर रहे थे कि नहीं, कुछ लोगों का कहीं और होगा, तो ऐसा नहीं है, सबका यहीं पे ट्रेनिंग होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।